प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा में आयोजित विश्वकर्मा योजना के वर्षगांठ के मौके पर जनता को संबोधित किया। अमरावती में पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। वर्धा के स्वावलंबी मैदान में आज विश्वकर्मा योजना वर्षगांठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई स्टार्टअप योजनाओं का भी उद्घाटन किया। विदर्भ की अमरावती के पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क नंदगांव खंडेश्वर ऑनलाइन शिलान्यास उन्होंने किया। इस परियोजना से इसमें विदर्भ के 3 लाख बेरोजगारों को काम मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में मोदी का वर्धा दौरा अहम है। इस समय उन्होंने कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए टुकड़े टुकड़े गैंग शहरी नक्सलियों से प्रभावित है कांग्रेस कहा। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की आलोचना की और कई लाभार्थियों को चेक बांटे। कार्यक्रम में नागरिकों की भारी भीड़ उभरी थी। हम सब ने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। NBC News के लिए वर्धा से रवि येनुरकर की रिपोर्ट।